हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स। ठीक है, BCS 012 जो इसका कोर्स कोड है, इसके अंदर हम सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको। ठीक है, ये हमारा BCA का फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है जिसके अंदर सिंपल मैथमेटिक्स होती है। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। अगर आपने 11th 12th में मैथ्स की है तो आपके लिए चैप्टर मतलब ये पूरा कोर्स बहुत ईजी है, क्योंकि सब वहीं से मैथ्स आई हुई है। ठीक है, तो हम पहले उसको अपने क्वेश्चन पेपर को देखते हैं, उसके बाद हम उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह का है। पहले हम अपने क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं ये कैसा आता है। जो हमारा क्वेश्चन पेपर है उस पर ये सब कुछ लिखा होता है। ठीक है, इस हमारा कोर्स कोड क्या है और उसका सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स फॉर 3 घंटे का पेपर होता है। मैक्सिमम मार्क्स जो है हमारे वो 100 होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी होता है, करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारे फोर्थ को 4 क्वेश्चन रह जाते हैं उसमें से हमें 3 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, वो हम कोई भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट यहाँ पर हमें जो एक दो डिटरमिनेंट्स दिए हुए हैं इनको, ये जो हमारा फर्स्ट डिटरमिनेंट है इसको हमें इस तरह से लेकर आना है। ठीक है, तो हम इसके अंदर कुछ डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टीज होती हैं उनका यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। काफ़ी इजी है, इससे पहले मैंने अपनी डिटरमिनेंट्स की कुछ जो प्रॉपर्टीज होती हैं उससे उसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन को क्या करना है, इसको हमें इसमें चेंज करना है। ठीक है, तो हम अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। ये है हमारा आंसर। अगर आपको ये दिख नहीं रहा होगा तो आप इसकी PDF नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अवेलेबल करा दूंगी, आप वहाँ से जाकर भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा पहले डिस्कस कर लेते हैं। हमारा जो क्वेश्चन था पहले हम उसको उस तरह से लिख देंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है उसको लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास सिर्फ ये लिखा था 111 ABC और BC और CA और AB। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें जो है हमारे क्वेश्चन के इक्वल लेकर आना है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे ABC से। ठीक है, R1 R2 और R3 को रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो 1/ABC हम बाहर रखेंगे। ठीक है, और ABC को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, एक जब इस 1 को A से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और A को जब करेंगे तो A² हो जाएगा, और इसको करेंगे तो ये ABC हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम सेकंड में करेंगे B से मल्टीप्लाई तो B हो जाएगा, यहाँ पर B² हो जाएगा और यहाँ पर ABC हो जाएगा, यहाँ पर C हो जाएगा, यहाँ पर C² हो जाएगा और यहाँ पर ABC हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो हमारा C है, C3 कॉलम जो 3 है उसके अंदर सब में ABC आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको कॉमन लेकर बाहर निकाल लेंगे। तो टेकिंग कॉमन फ्रॉम ABC फ्रॉम C3। ठीक है, तो C3 से जब हमने इसको कॉमन लिया तो हमारा जो ABC था वो ABC से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास बचेगा ABC, A² B² और C² और यहाँ पर बचेगा 111। ठीक है, तो उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, अब आप देख सकते हो कि जो हमारा ये आंसर जितना आया है वो हमारा जो हमें प्रूव करना था उससे थोड़ा सा रिलेटेड है। बट यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो हमारी C3 है वो हमें करना पड़ेगा C1 को C3 में इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो क्या होगा, ये जो यहाँ की वैल्यूज़ हैं वो सब यहाँ पर चली जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, 111 को यहाँ लिख देंगे और ABC को यहाँ लिख देंगे। इतना हो गया। अब हमारे पास एक चीज़ की कमी रह गई है कि ये जो हमारा ये है C2 को हमें C3 की जगह लेकर आना है और C3 को C2 की जगह लेकर आना है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे इस तरह से, C3 को इंटरचेंज कर देंगे C2 से, तो यहाँ पर 111 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा ABC और A² B² C², तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फिर उसका आंसर देखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर हम अपने क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। यहाँ करना है क्या, यूजिंग डिटरमिनेंट, हमें क्या करना है, डिटरमिनेंट्स को यूज करना है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 2, 1, 3, -2 एंड -4, -3। इससे रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, डिटरमिनेंट्स का यूज करके ट्राइंगल्स को जो एरियाज होते हैं उनको फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर देखते हैं हम। ठीक है, आंसर की तरफ बढ़ते हैं। आंसर नंबर बी, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे पास वर्टिसेस दिए हुए हैं उनका हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास वर्टिसेस आप चेक कर सकते हो, यही है हमारे पास 2, 1,
ठीक है। फिर है हमारे पास 3 और -2, और तीसरा है हमारे पास -4 और -3, ठीक है। तो ये जो हमारे वर्टिसेस हैं एक्स और वाई के, तो हम उनको क्या करेंगे, इस डेटरमिनेंट्स के फॉर्मेट में लिख लेंगे। तो यहाँ आएगा 2, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे हम लिखते हैं x1, यहाँ पे लिखते हैं y1, ठीक है। यहाँ पर x2 और y2, y3, x3 और y3, ठीक है। इस तरह से लिख लेते हैं। और जो यहाँ पर होता है ना हमारा थर्ड जो कॉलम होता है, उसकी जगह पे हम 1 1 लिख लेते हैं, ठीक है। इतना तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जब हम एरिया फाइंड करते हैं, तो उसके अंदर हम ये वाला जो फॉर्मूला है इसको अप्लाई करते हैं। आप इस फॉर्मूले को देख सकते हैं। इसके बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसकी वैल्यूज को पुट करते हैं। 1/2 2 -2 + 3, तो ये किस तरह से आएगा, जब हम इसको डेटरमिनेंट के फॉर्मेट में सॉल्व करें, तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 को हम हाइड कर देते हैं और इसको करेंगे तो -2, और इसको करेंगे तो +3 हो जाएगा। जब हम डेटरमिनेंट्स को सॉल्व करते हैं तो इसी तरह से होता है। तो हम इसको इसमें अप्लाई कर देंगे और फिर हम इसका आंसर निकाल लेंगे। तो जो इसका आंसर है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। तो जो भी आंसर है वो हमारा 11 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको PDF अवेलेबल करा दूंगी इसका, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट का जो सी पार्ट है उसकी तरफ चलते हैं। यहाँ पे है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन टू सो दैट 1 + 3 + 5 + + so on करके +2n - 1 इक्वल्स टू n² 4। और मतलब मैथमेटिकल इंडक्शन को हमें यूज करना है। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर हमने सॉल्व किए हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह का है। तो अब इसको हम, ये भी 5 मार्क्स का है, इसके आंसर की तरफ चलते हैं। फर्स्ट का सी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चंस को लिखेंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, लेट करेंगे पी जो है वो एन, मतलब पी एन हम इस फॉर्मेट में इसको लेट करेंगे, ठीक है। जैसे हमने इसको लिखा है तो यहाँ पर पी लिखेंगे और उसके बाद में इसको क्या करेंगे, एन इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद में हम अपने क्वेश्चन को लिखेंगे। तो यहाँ पर जो हमें करना है, पुट करेंगे पी, जो एन की वैल्यू है वो क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो जब हम 1 के लिए सॉल्व करेंगे तो हम ये वाली ये लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे, 2 हम यहाँ पर इसको रख कर और इसको सॉल्व करेंगे। जहाँ पर भी एन है उसकी जगह पे 1 रखेंगे, तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा। नेक्स्ट जो है हम राइट हैंड साइड लेंगे और उसको भी सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर भी 1 आ जाएगा, क्योंकि n की जगह पे हमें क्या रखना है, 1। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हमें ये करना है, नाउ अब हमें अज्यूम करना है पी के लिए, ठीक है। मतलब n की जो वैल्यू है वो हमें k रखनी है। तो जब हम k रखेंगे तो सिंपल इस इक्वेशन को हम 1 बना देंगे। अब इसको क्या करेंगे, हम प्रूव करेंगे पी के प्लस 1 के लिए। जो मेन पार्ट है इसका वो यहीं से शुरू होता है, ठीक है। तो जब हमने इसको यहाँ तक कर लिया, ठीक है, हमने क्या करा, जो हमारी इक्वेशन थी यहाँ तक तो सेम आएगा, ठीक है। इसके बाद में एक हमें आगे बढ़ना है स्टेप, जो प्लस करेंगे 2k + 1, ठीक है। हमें तो यही चाहिए ना, k + 1 और माइनस का 1 जो इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, इतना चाहिए हमें। उसके बाद में ये इधर आएगा, इसके बाद में हम k + 1 का होल स्क्वायर कर देंगे। तो अभी हमें क्या करना है, ये हमें लेनी है, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो इतना तो आपको दिख रहा है कि ये जो 1 + 3 + 5 है और सो ऑन करके 2k - 1 जो है वो हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन से आ जाएगा कि ये क्या है, के स्क्वायर है। तो हम इसकी जगह पे के स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर के स्क्वायर लिख दिया। और जो हमारा नेक्स्ट बचा है 2k + 1 - 1, तो हमने उसको यहाँ पर लिख दिया इस तरह से। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा k² + 2k + 1 - 1, ठीक है। जब हम इसको और आगे और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा k² + 2k, ठीक है, 2k ही आ जाएगा। और यहाँ पर जो 2 था प्लस का और माइनस का 1, तो ये सॉल्व होके क्या आ जाएगा, प्लस का 1। तो जब हम इसका इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता है ये क्या होता है, 1 + k + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा जो दोनों इक्वेशन थी वो आपस में एक मतलब इक्वल आ गई है। तो लास्ट में हमें एक लाइन लिखनी होती है, वो ये होती है कि दिस शोज दैट द रिजल्ट होल्ड्स फॉर n = k + 1, देयरफॉर द ट्रुथ
ऑफ पी के इम्प्लाइज द ट्रूथ ऑफ पी के प्लस वन द टू स्टेप रिक्वायर्ड फॉर अ प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन हैव बीन कम्प्लीटेड. हमने दो स्टेप कंप्लीट कर दिए, एक तो पी के रखा और पी के प्लस वन रखा, तो दोनों ही हमारे जो हैं वो ट्रू आ चुके हैं. सो आर स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ईच नेचुरल नंबर एन. ठीक है, नेचुरल नंबर एन जितने भी होंगे वो सबके लिए ट्रू है. तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का डी. ठीक है, पहले हम अपना क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद हम इसको करेंगे. तो आप अपना क्वेश्चन हम यहाँ से देखेंगे, वो है इफ अल्फा बीटा आर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री ए एक्स प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, तो फाइंड करनी है हमें ए की वैल्यू. इफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू वन अपॉन सेवन. तो इसको पहले हम समझते हैं, उसके बाद हम इसका आंसर निकालेंगे. ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप इसको ध्यान से देख सकते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का डी. तो हमें गिवन क्या है, ये इक्वेशन गिवन है. ठीक है, इक्वेशन हमें पता है क्या दे रखी है. उसके बाद हमने क्या करना है, ए प्लस बी जो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा हमारे पास, जो ये होता है ना, जो बी होता है वो हमारा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा. तो अल्फा प्लस बीटा आ गया माइनस थ्री, और जो हमारा अल्फा मल्टीप्लाई बीटा प्रोडक्ट हो गया वो क्या होगा, ए स्क्वायर, यानी कि जो सी होता है वो आता है. ठीक है, इसके बाद में हम क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये हमें गिवन है. ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस कर दिया जाएगा टू अल्फा बीटा से. तो हमारे पास क्या आएगा, यही आएगा ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. तो ये स्टेप हमें थोड़ा सा सोचना है, क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस कर दिया जाएगा टू अल्फा बीटा, तो क्या आएगा, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, थ्री माइनस माइनस थ्री ए. ठीक है, तो ये क्या है, माइनस थ्री ए है ना, तो हम जब इसको पुट करेंगे यहाँ पर तो हमारे पास क्या आएगा, नाइन ए स्क्वायर हो जाएगा. और जब हम यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमें यहाँ पर अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू पुट करनी है, जो हमारे पास है ए स्क्वायर. ठीक है, ए स्क्वायर है. ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो ये आ जाएगा हमारे पास वन अपॉन सेवन. ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, वन अपॉन सेवन. ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है. इसके बाद में ये जो टू है ना, यहाँ पर ये टू नहीं आएगा, क्योंकि अल्फा जो हमारी अल्फा बीटा की वैल्यू है वो सिर्फ ए स्क्वायर है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, टू आएगा. तो जब इसमें से नाइन ए स्क्वायर में से माइनस करेंगे टू ए स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आएगा, सेवन ए स्क्वायर आएगा, है ना. तो सेवन ए स्क्वायर से सेवन ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. ये जो यहाँ पर वैल्यूज है ये गलत हो गई है. यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे आएगा हमारे पास क्या, सेवन ए स्क्वायर इक्वल्स टू वन अपॉन सेवन, है ना, यही है. तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, जो हमारा सेवन है वो सेवन से कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, और ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, ए स्क्वायर की वैल्यू आएगी हमारे पास वन. तो ए क्या हो जाएगा हमारे पास, वन. ठीक है, ए की वैल्यू क्या आएगी, वन. तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा, हमने ए की वैल्यू फाइंड कर ली है. नेक्स्ट क्वेश्चन है ए का ई पार्ट, तो वो भी पहले हम देख लेते हैं उसके बाद हम बढ़ते हैं. जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, इफ वन डब्लू डब्लू स्क्वायर आर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. तो ये क्वेश्चन जो है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर वाले चैप्टर में से आया हुआ है, तो अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर वाला चैप्टर आता है तो आप इसको आराम से कर सकते हैं. और इसका इसके अंदर हमारे पास चार फॉर्मूले होता है. ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के उसके अलावा हमने इसके अंदर कुछ करना ही नहीं होता. तो स्टार्ट करते हैं हम इसको. ठीक है, तो हमारे पास जो है वैल्यू ये दी हुई है. ठीक है, क्वेश्चन का जो क्वेश्चन है हमारे पास कुछ इस तरह का दिया हुआ है. ठीक है, टू प्लस डब्लू टू प्लस ओमेगा बोलते हैं इसको, ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है. तो हमारे पास क्या आएगा, हम पहले इसको लिखेंगे इस फॉर्मेट में. हमें ये पता होता है कि जो ये जो डब्लू है ना ओमेगा,
ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। एक तो हमें ये याद रखना है, ठीक है, क्योंकि हम इसको हमेशा अप्लाई करेंगे, चाहे हमारे पास किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा ना, ऑलमोस्ट हमें हर एक क्वेश्चन में इस चीज को अप्लाई करना ही होता है, डब्लू ओमेगा इक्वल्स टू 1, ठीक है। जो हमारा, सॉरी, ये डब्लू का क्यूब है वो क्या होगा, 1 होगा, ठीक है, और डब्लू स्क्वायर प्लस डब्लू प्लस 1 इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है। तो अब इससे हम और भी क्वेश्चंस को ड्राइव, मतलब और भी जो फॉर्मूलाज हैं उसको बना सकते हैं, कि मतलब ये जो ओमेगा है, ठीक है, डब्लू जो भी है, ठीक है, प्लस डब्लू इक्वल्स टू क्या होगा, -1, क्योंकि ये जो 1 है वो इधर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, -1। तो इस तरह से हमें ये ड्राइव करना आना चाहिए, इतना ही है। ये दो क्वेश्चन, ये दो फॉर्मूले तो हमें याद होने चाहिए, ताकि हम इन सारे, इनसे जो रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व कर सके। तो यहाँ पे हमें लिखा हुआ है, दिख रहा होगा, 2 + w, फिर 2 + w² ठीक है, यहाँ तक ठीक है। लेकिन यहाँ है 2 + w 22, 22। तो 22 को लिखने का तरीका क्या है, कि आप को पता है कि जो ये 22 है, ठीक है, इसको अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, 21 से चला जाता है ये, ठीक है, मतलब 21 7 पे आ जाता है ना, तो यहाँ और रिमाइंडर बचेगा 1। तो हम क्या करते हैं, जो रिमाइंडर होता है वो कुछ इस तरह से लिखते हैं, 3 यहाँ लिखा हमने, 3 को अगर मैं 3 7 जा करूँ तो 3 7 जा 21 हो गया, और 1 ये 1 W एक इधर लिख दिया, मतलब इस तरह से हमने इसको लिख दिया। फिर जो हमारा सेकेंड होगा उसके अंदर हमारे पास 26 है, तो हमने क्या किया, 8 3 24 और 2 ऐड कर देंगे उसके अंदर, तो हमारे पास 8 3 24 और उसके अंदर 2 ऐड कर देंगे, 2 ऐड कर देंगे तो यहाँ पर 26 हो जाएगा। तो मतलब इस तरह से हमने इसको कर दिया। तो जहाँ पर भी हमने W, जो हमारी क्यूब थी, वो किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है, तो वहाँ पर हमने, जहाँ पर भी ये हमें मिला था वहाँ पर हमने 1 रख दिया, और उसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास एक इक्वेशन कुछ इस तरह की आ जाएगी, ठीक है, 2 + w, 2 + w² 2 + w और 2 + w². तो हम इसको ये लिख सकते हैं ना, 2 + w² क्योंकि ये 2 बार आ रहा है, फिर 2 + w² तो इस तरह से लिख दिया। अब इन दोनों का होल स्क्वायर करके लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का ही होल स्क्वायर है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अंदर अंदर जब इसको सॉल्व करेंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 W² हो जाएगा, फिर इसको करेंगे तो 2 W, फिर W W का क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें पता है W क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इस तरह से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो ही कुछ इस तरह का आएगा। अब यहाँ पर एक ट्रिक सिर्फ यहाँ पर यूज करनी है, वो ये है कि यहाँ पर W और मतलब W² और W की वैल्यू हमें पता है, तो अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर W² + 1 बचेगा, जिसकी वैल्यू होती है -1, जो हमने यहाँ पर करके भी देखी थी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, -1, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 + 2 - 1 + 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 4 है +1 - 2, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 और 1 हो जाएगा 5, उसमें से -2 कर देंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 9, तो मेरी इसकी वैल्यू भी निकल गई है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था फर्स्ट का ई तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो में, मतलब अगर ये क्वेश्चंस ठीक से नहीं दिख रहे हैं, तो आप मुझसे मेल में इसके आंसर मांग सकते हैं, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से भी आप इसके आंसर की PDF ले सकते हैं, ठीक है। और सब्सक्राइब करें और भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।